एंड यू आर वॉचिंग 4 PM बॉलीवुड। आमिर खान ने अपने टीवी शो सत्यमेव जयते का एक पुराना प्रोमो रिलीज किया तो लोगों ने उनसे उनके शो की वापसी की मांग शुरू कर दी। देश में चल रहे लोकसभा चुनाव को लेकर जारी किए गए इस प्रोमो में कुछ लोग रेड सिग्नल जम करते दिखते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वहां वाहनों की कतार भी लगने लगती है। इस कतार में एक ऑटो भी शामिल है और ये ऑटो रिक्शा ही है जिसे आमिर खान ने अपने जीवन की पहली मार्केटिंग कैंपेन का हिस्सा बनाया था। उनकी पहली बतौर रोमांटिक हीरो फिल्म कयामत से कयामत तक रिलीज होने वाली थी और वह खुद ही उन दिनों ऑटो रिक्शा के पीछे पोस्टर चिपकाते दिखते। हु इज आमिर खान? आज द गर्ल नेक्स्ट डोर। तो चलिए आज हम बात करते हैं आमिर खान की सुपरहिट फिल्म कयामत से कयामत तक से जुड़े कुछ अनसुने किस्सों के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले और नीचे दिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारा कोई भी वीडियो आएगा तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। आमिर खान के पिता ताहिर हुसैन के भाई नासिर हुसैन हिंदी सिनेमा के कामयाब फिल्म निर्माता निर्देशक रहे हैं। फिल्म कयामत से कयामत तक के निर्देशक मंसूर खान इन्हीं के बेटे हैं। मंसूर खान ने पहले IIT की पढ़ाई बीच में छोड़ी और फिर अमेरिका से भी बीच शस्त्र की पढ़ाई अधूरी छोड़ मुंबई लौट आए। नासिर हुसैन के पास तब ये कहानी थी जिसे उन्होंने एक दिन मंसूर खान को बुलाकर इस पर फिल्म बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी। मंसूर खान ने अपने चचेरे भाई आमिर खान को फिल्म के हीरो के तौर पर लिया और फिल्म शुरू कर दी। आमिर खान की पहली पत्नी रीना दत्त ने इस फिल्म की शूटिंग के दौरान बहुत मेहनत की। फिल्म के सुपरहिट गाने पापा कहते हैं में वह जरा देर के लिए दिखाई भी देती हैं, पर तभी आमिर खान को इस बात की सख्त मनाही थी कि वह रिलीज से पहले किसी को अपनी शादी के बारे में कतई नहीं बताएंगे। मंसूर खान को फिल्म कयामत से कयामत तक के लिए उनके पिता ने अपनी टीम के संगीतकार RD वर्मन और गीतकार मजरूर सुल्तानपुरी की जोड़ी दी, लेकिन मंसूर खान की RD वर्मन से जमी नहीं। मशहूर संगीतकार चित्रगुप्त के बेटे उन दिनों आनंद मिलिंद कुछ फिल्मों में संगीत दे चुके थे। मंसूर को दोनों का काम पसंद आया और उन्होंने दोनों को एक ऐसी धुन बनाने का जिम्मा सौंपा जिस पर जवानी झूम। आनंद मिलिंद इस मामले में खरे साबित हुए और उन्होंने जो धुन बनाई उस पर मजरूह सुल्तानपुरी ने गाना लिखा। पापा कहते हैं फिल्म के सबसे ज्यादा मशहूर इस गाने में पापा शब्द मंसूर को पसंद नहीं था, लेकिन अपने पिता की बात उन्होंने मानी और ये लाइन ऐसे ही रहने दी। इसके बाद जो हुआ वो सब जानते हैं। साल 2024 में भी इस गाने की दमक बरकरार है। 70 साल के हो रहे थे मजरूह सुल्तानपुरी उन दिनों जब उन्होंने ये गाना लिखा। उन्होंने मंसूर के मंसूबे भाप लिए थे और मजरूह सुल्तानपुरी की तमाम ख्वाहिशातों में ये बात खास तौर में शामिल रही कि उनके गाने हमेशा वक्त के साथ कदम ताल करते रहे। देवानंद की फिल्म 3 देवियों के लिए साल 1965 में ऐसे तो ना देखो लिखने वाले मजरूर सुल्तानपुरी ने 29 अप्रैल 1988 को रिलीज हुई फिल्म कयामत से कयामत तक के लिए लिखा, गजब का है ये दिन देखो जरा। फिल्म कयामत से कयामत तक के क्लाइमेक्स का एक दिलचस्प किस्सा मंसूर खान बताते हैं कि पिताजी फिल्म की हैप्पी एंडिंग चाहते थे, मैंने उनके मन मुताबिक ये सीन शूट भी किया, लेकिन इसके बावजूद फिल्म का क्लाइमेक्स वैसे ही रखने को हुआ जैसे वो चाहते थे। मंसूर खान ने कयामत से कयामत तक के बाद 3 फिल्में और बनाई, जो जीता वही सिकंदर, अकेले हम अकेले तुम और जोश। फिल्म जोश की कास्टिंग को लेकर उनका आमिर खान से मनमुटाव भी हुआ और वो फिल्मों में काम करना छोड़ कुनूर में जाकर बस गए, जहां उन्होंने एक बड़ा सा फार्म हाउस खोला। तो ये थी आमिर खान के फिल्म कयामत से कयामत तक जुड़े कुछ किस्से। तो ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहिए 4 PM बॉलीवुड।